तो जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका साइज है 16x22 और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 16x22 का हाउस प्लान चाहिए, तो उनकी कहने पर मैंने ये मॉडल डिजाइन किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 16 फीट है और लंबाई की बात करें तो 22 फीट है। काफी स्मॉल हाउस प्लान है क्योंकि 16x22 के रूम होते हैं दोस्तों, मकान नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, 16x22 के मकान भी है और बहुत ही बेहतरीन मैंने आपको ये डिजाइन दिया है। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक एक समझ में आएगा। इसमें भेद आपको बालकनी भी मिलेगी, लेटरिन एंड बाथरूम भी मिलेगी, किचन भी मिलेगा और रूम भी मिलेगा, बेडरूम जिसको बोलते हैं। सिर्फ आप इसको देखें और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन मैंने आपको ये दिया है, इसको आप फुल देखें। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार अपडेटेड वीडियो आपको देता रहता हूँ होम डिजाइनिंग से रिलेटेड। जैसा कि लगातार आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग डिजाइन के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्हीं के कहने पर हमने ये हाउस प्लान किया है दोस्तों। और अगर आपका भी कोई रिक्वायर्ड हाउस है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये इतने बाई इतने का हाउस चाहिए। मैं काफी लोगों से ये ब्रह्म निवेदन करना चाहूंगा, काफी लोग कमेंट करते हैं, बस उनका मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं प्रॉब्लम क्या होती है, कमेंट लगभग 100 के आसपास आ जाते हैं, तो मैं सबके डिजाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक वहां से कैप्चर करके उठाकर किसी एक का डिजाइन जरूर करता हूँ। तो ये पूरा मॉडल चलो बता देते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट से मैं दिखा दूँ, फ्रंट से आपको ये लुक दिखने वाला है, बेहतरीन सा डिजाइन और टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा, साइड से आप ऐसा देख सकते हैं। अब अगर इसको हम ट्रांसपेरेंट, जैसे कि हर हमेशा की तरह मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप इस मॉडल को ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत मॉडल और भी दिखने वाला है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी के बाद आपको ये मॉडल दिखता है। तो जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से इसको ओरिजिनल पोजिशन में मैं लेकर आता हूँ आपके लिए, तो देखिएगा ये मॉडल आपको कैसा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसको ले चलूंगा मैं ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे आप इसके ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखेगा दोस्तों। ये इसका मेन डोर है, ये एक विंडो है, ये सिर्फ आपका डिजाइनिंग है जो सी टाइप का है। और जैसे मेन डोर से एंटर करते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन सा यहाँ पर मिलता है पूरा पार्किंग का स्पेस, ये देख पा रहे हो। अगर यहाँ से आपकी स्टेयर्स जाती है, एल टाइप की स्टेयर्स है, और स्टेयर्स के नीचे आपका लेटरिंग और बाथरूम मैंने कंबाइंड करके दे रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर फ्रंट की अगर बात करें तो ये आपका एक रूम है दोस्तों, बेडरूम की बात करें, और ये आपका किचन दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर आप सोफा डाल सकते हैं। अगर इनका सबका आपको साइज देखना है दोस्तों, बेडरूम कितने बाई कितने का है, किचन कितने बाई कितने का है, तो आपको आ जाना है हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पूरा डायमेंशन विद डायमेंशन आपको सब कुछ दिखेगा, कितने बाई कितने का रूम है, कितने बाई बाई की किचन है, सब कुछ दिखने वाला होता है। तो ये पूरा मॉडल था जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर। अब हम आपको ले चलेंगे दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर जैसा कि आपने देखा, ये मेन डोर है किचन के लिए, सॉरी किचन के लिए मेन डोर ये है और बेडरूम के लिए ये है, और मेन दरवाजा जो डोर है फ्रंट डोर आपका ये है। तो ये पूरा मॉडल था ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें। अगर अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर इसके, तो फ्रंट से फर्स्ट फ्लोर आपको ऐसा दिखने वाला है। ये 2.5 फीट का अप्रॉक्स मैंने बालकनी निकाल दिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो सिर्फ आपका वही है, यहाँ पर जो आपका किचन का एरिया था वो मैंने हटाकर पूरे बेडरूम में एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो लेटरिंग था वो भी हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ऊपर आप लेटरिंग देंगे तो फिर आपका यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा डिजाइन आपने जैसा देखा, ये यहाँ पे बिल्कुल ओपन एरिया भी आप इसको रख सकते हैं, अगर ये गेट हटा दें तो यहाँ पर ओपन भी रख सकते हैं, लेकिन घर काफी छोटा होने के कारण मैंने बंद कर दिया। ये भी एक ऐसा बेडरूम आपका काम करने वाला है दोस्तों। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, फ्रंट से आपको ऐसे दिखेगा। अगर हम बात करें लास्ट फ्लोर की, तो ये देखिएगा लास्ट फ्लोर, और आपको डिजाइन फ्रंट से ऐसा दिखेगा। जैसे आप ऊपर चाहेंगे, स्टेयर्स को मैंने ढक दिया है जिसमें आपको बारिश में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और ये एक रोशनदार राउंड का दे दी इसमें हवा पास होती रहे, और स्टेयर्स जैसे आप ऊपर आएंगे ये आपका छत है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा मॉडल था 16x22 का, और जो कि बहुत ही स्मॉल हाउस था और बहुत ही बेहतरीन प्लान मैंने दोस्तों आपको डिजाइन किया। फ्रंट से आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा मॉडल लग रहा है। तो ये पूरा मॉडल था, आपको फिर से इस बार ट्रांसपेरेंट करके देखना है अगर, तो आप देख सकते हो। जैसे ट्रांसपेरेंसी करें तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको पूरा यहाँ पर दिखने वाला है। ये 100% ट्रांसपेरेंसी थी, आप देखिएगा आपको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो गई, तो ये आपको फ्रंट से ऐसा दिखने वाला है। तो फिर से इसको ओरिजिनल मॉडल आप देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल ऐसा आपको ये दिखने वाला है। तो ये पूरा अगर आपको इसका
फर्स्ट फ्लोर की बात करें, ग्राउंड फ्लोर की अगर डायमेंशन जानना है तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको फुल डायमेंशन मिलेगी रूम की, बेडरूम की, किचन की और बाथरूम की सभी की। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स जिनका मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वो मुझे एक बार जरूर दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को बताएं कि 16x22 का मॉडल बेस्ट है या नहीं है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक मॉडल है कमेंट करें, मैं आपका जरूर बनाऊंगा जिनका भी मैं सिलेक्ट करता हूं। इसके लिए सॉरी चाहता हूं कि सबका मैं नहीं बना पाता हूं दोस्तों, इतना टाइम नहीं है कि सभी के मॉडल डिजाइन किए जा सकें। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान को, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब।